इसमें डेज कितने होते हैं? 31 ही होते हैं इसमें। जुलाई और अगस्त में 31 डेज होते हैं। तो नेक्स्ट डे कौन सा होता है बताया, लास्ट में बताना। नेक्स्ट मंथ कौन सा होता है, कितने नहीं है, वन से कौन सा करो। नाइन्थ मंथ का नाम बताइए, सितंबर इसका नहीं बताओ। वेरी गुड, इसमें डेट कितने होते हैं, 30। वेल डन, फेमस। नेक्स्ट बच्चा, नेक्स्ट मंथ का नाम बताइए बेटा, अक्टूबर। अक्टूबर की स्पेलिंग, वेरी गुड। अक्टूबर में डेट कितने होते हैं, 31। वेल डन, फेमस। नेक्स्ट मंथ कौन सा होता है, नवंबर की स्पेलिंग बताइए, वेरी गुड। इसमें डे नंबर ऑफ डे, बैठिए। नेक्स्ट लास्ट मंथ कौन सा होता है, दिसंबर की स्पेलिंग बताओ, वेरी गुड। इसमें नंबर ऑफ डेज कितने होते हैं बेटा, 30। नहीं, 12 का 12 नहीं, 31 होता है, 31 डे। तो बेटा ये आपके टोटल मंथ है, इसमें डिफरेंट डिफरेंट डे होते हैं। जैसे जनवरी में कितने डेज होते हैं, जनवरी में, फरवरी में, तो सबसे कम डे वाला महीना कौन सा है, फरवरी में सबसे कम दिन होते हैं भाई। इसमें 70 है या 79 होते हैं, ठीक है। अब आपको ये कहा जाए कि इसमें 30 डेज वाले मंथ कितने हैं, तो 30 डेज वाले मंथ कितने हैं, अप्रैल, जून, सितंबर और नवंबर। कितना है ये, फोर। कितने हो गए, 31 डेज वाले मंथ कौन कौन से होते बैठिए, 31 वाले, जनवरी, ये आपके मंथ नेम थे। हाउ मेनी डेज इन ए मंथ, टोटल मंथ 12 होते हैं, सबको बताना। मंथ में कितने डेज होते हैं ये भी हमने आज अभी देख लिया है। और सबसे छोटा मंथ कौन सा होता है, फरवरी। फरवरी के देखो भाई, 78 डेज एंड 79। 79 कब होते हैं, जब आपका लीप ईयर हो, जब उसमें लीप ईयर होता है उसमें फरवरी में एक डे बन जाता है। 79 डेज फरवरी में कब होते हैं, जब आपका लीप ईयर हो। लीप ईयर 4 साल में एक बार आता है, कितने साल में, तो उसमें एक दिन बढ़ जाता है। फरवरी कितने दिन का हो जाता है, वो कितने का रहता है, तो सबसे छोटा मंथ है फरवरी, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। उसके बाद आपको ये याद रखना है कि साल में कौन कौन से मंथ 30 डेज के आते हैं, कौन कौन से 30 डेज के आते हैं, याद रख लोगे, पक्का, वेरी गुड। ये आपकी एक्सरसाइज है 9 डेज, एक्सरसाइज 9 डेज, ये आपको फिल करनी है घर से और इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। ओके सर, अभी आप इसको अपनी कॉपी में करें, डब्ल्यू में आप अपनी कॉपी में करें, एफ डब्ल्यू में आप इसको रिवाइज करेंगे। हाँ,
बेटा भी अपनी कॉपी में काम करिए सब बच्चे। जेडब्ल्यू में अभी काम करना है, आपकी हैंडराइटिंग साफ साफ हो।